नाजरीन हमारी वीडियोस को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि आपकी कीमती आरा से रहनुमाई हासिल हो सके शुक्रिया जी के इस शौक का तलक है तो ये हमारी पंजाब की खसूस है पंजाब के मकबूल तरीनती खेलों में होता है घुड़ के शायक ने इस कदीमती रवायती खेल को जिंदा रखा हुआ है नज़ाबाजी का शुमार पंजाब के मकबूल सकाफ़ती खेलों में होता है घुड़ सवारी के शायक ने इस कदीम सकाफती और रवायती खेल को जिंदा रखा हुआ है मुख्तलिफ देहातों में मेलों और बुज़ुर्गान के उर्स पर नेज़ाबाज़ी के मुकाबले मुनद करवाए जाते हैं और पंद्रह साल दस साल पीछे जाएं तो ये बिल्कुल ये खेल ख़त्म हो रहा था अगर अब इस वक्त जो पंजाब में है मेरा ख्याल है नज़ाबाजी का जो खेल है बिलखसूस जो हमारा पिंडी डिवीज़न है और गुजरा वाला डिवीज़न उसमें और स्पेशली जो फैसलाबाद आबाद ये जो एरिया है उसमें इस खानेवाल में भी अब हो रहा है मगर ज़्यादा हमारे जो ये सात आठ अजला हैं इनमें इनमें इसको बहुत ज़्यादा पीरा मिली है जिनको देखने के लिए लोग बड़े शौक़ से मैदानों का रुख करते हैं नेज़ाबाज़ी एक दलेराना खेल है जिसमें सवार की फुर्ती और महारत का इम्तहान लिया जाता है इस खेल में एक घुड़सवार तेज़ी से घोड़ा दौड़ाते हुए नेज़े की मदद से ज़मीन में गढ़े किले को निशाना बनाता है नेज़ाबाजी में सवारी के लिए दो साल की उम्र के घोड़े को सिधाया जाता है जो अमूमन तीन माह की मदद में तैयार हो जाता है इस खेल के लिए चनाब और रावी नस्ल के घोड़े ज़्यादा मशहूर हैं नेजाबाजी मुकाबलों के तमाम तर इंतजाम एक फ़र्द के सपर्द होते हैं जिसे किला मास्टर कहा जाता है और मुकाबलों की सारी देखभाल वही करता है ये देखें गवर्नमेंट की ऐसा कोई सपोर्ट नहीं होती ये हम लोग जो मेले लगवाते हैं ये अपनी मदद मतलब, आपके तकरीबन ज़्यादा मेले लगते हैं चंद एक मेले होते हैं एक दो या तीन पूरे पंजाब के अंदर साल में गवर्नमेंट की तरफ से लगते हैं नेजाबाजी के लिए तीन से पाँच एकड़ लंबे ग्राउंड की ज़रूरत होती है जिसकी चौड़ाई एक से तीन एकड़ के करीब होनी चाहिए ग्राउंड के दरमियान एक लकीर पर चूना डालकर किले नस्ब किए जाते हैं ये किले खजूर की लकड़ी से बने होते हैं और हर किले का दरमिया फासला ग्यारह फुट होता है तकसीम करदा लाइन से चालीस फुट दूर अख्तामी लकीर लगा दी जाती है दरमियान में किले वाली लकीर पर एक शख्स घोड़सवार को सीटी बजा कर दौड़ने का इशारा करता है और किला की निशानदही के लिए सब झंडी लहराता है सवार डेढ़ सौ फुट दूर से घोड़ा दौड़ाते हुए नेजे का किला उठाने की कोशिश करता है किला उखाड़ने के चार नंबर होते हैं अगर सवार किला अपने साथ या लाइन से बाहर तक ले जाए तो इसे मुकम्मल नंबर दिए जाते हैं और अगर सवार का किला आखिरी लाइन से पहले गिर जाए तो उसे आधे नंबर मिलते हैं ताहम अगर किला गढ़े में ही रह जाए तो कोई नंबर नहीं होता और इस पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है क्योंकि अगर आप हमारी साइड पे जाएं वहाँ पे तो हम तीन क्योंकि एक दिन का मेला वहाँ पे कामयाब नहीं होता हमारा मेला क्योंकि वहाँ पे घोड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है तो एक आम नॉर्मल मेले में भी चार सौ चार सौ से पाँच सौ तक घोड़ा आता है तो वो दो या तीन दिन का होता है नेज़ाबाजी में जो किला इस्तेमाल किया जाता है उसकी चौड़ाई एक से अढ़ाई इंच और लंबाई बारह इंच होती है जबकि सवार जो नेजा इस्तेमाल करते हैं उसकी लंबाई सात फुट होती है मुकाबले से पहले जजेस मुकर किए जाते हैं जो खेल के कवानी को वाजे करते हैं और सवारों को उनकी कारी के मुताबिक नंबर देते हैं इस खेल में मुकाबले का तरीका ये होता है कि पहले एक सवार के दरमियान मुकाबला होता है जिसको सिंगल कहा जाता है सिंगल मुकाबलों में हर टीम की जानब से एक सवार ही दौड़ता है जो सवार किले को निशाना बनाकर उखाड़ लेता है वो अगले राउंड में चला जाता है और खाली रह जाने वाला सवार मुकाबले से बाहर हो जाता है यूँ हर सवार को एक मौका मिलता है इस राउंड का नाम फटा राउंड है और इसमें किले की चौड़ाई अढ़ाई इंच होती है दूसरा राउंड आहड़ी कहलाता है इसमें किले की मोटाई डेढ़ इंच होती है इस राउंड में कामयाब होने वाले सवारों को तीसरे राउंड का सामना करना पड़ता है पड़ताली राउंड इसमें किले की चौड़ाई एक इंच रखी जाती है पड़ताली राउंड में माहिर निशानाबाज ही बच पाते हैं और अख्तितम तक पड़ताली किला ही लगता है जिसके ज़रिए पहले दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले सवारों का फैसला किया जाता है अगर उम्मीदवार ज़्यादा हों तो पड़ताली पहले लगा ली जाती है ताकि माहिर निशानाबाज ही बाकी रह जाएँ सिंगल मुकाबलों के बाद सेक्शन का मुकाबला होता है जिसमें चार या उससे ज्यादा घोड़सवार नेजाबाजी पंजाबी सकाफत और कल्चर का हिस्सा है जो अब सिर्फ मेलों और तक महदूद हो चुकी है मुख्तलिफ राइडिंग क्लब ने इस खेल को जिंदा रखा हुआ है तो दो तीन दिन का जलसा कराने का मतलब है कि आपको 25 से 30 लाख रुपया या कम से कम दो दिन के लिए 20 लाख चाहिए होता है तो वो अपनी मदद आपके तहत होता है गवर्नमेंट नहीं कर रही मदद कोई भी हकूमत पंजाब को इस लोक खेल की सरपरस्सी करते हुए इसकी तरवीज के लिए इकदाम करने चाहिए ताकि नई नसर को पंजाबी सकाफत के बारे में पता चल सके दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब लाइक शेयर के अलावा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस बेहतर और वक्त मुयसर हो सकें अब अपने होस्ट अब्दुल मजीद भाटी को दीजिए इजाज़त अल्लाह निगेबान।